राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है लाला जी का ढाबा में। दोस्तों दिल्ली में आए और छोला कुलचा नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए, क्योंकि ये हर जगह मिलता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना भी आसान है। घर पे आप छोला कुलचा एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको मटर कुलचा ही बोलते हैं, क्योंकि जो सफेद मटर होता है उसी से हम बनाते हैं। इसको मटर से या छोले से किसी चीज से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली का जो ट्रेडिशनल है छोला कुलचा, वो मटर से ही बनता है। तो चलिए आसान तरीका से बताते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे हम मटर को रात भर भिगो लिए थे और इसका पानी हम निकाल दिए हैं, बढ़िया से इसको साफ कर दिए थे। अब इसको कुकर में डाल देंगे। आपके पास बड़ा आलू हो तो बड़ा आलू डालिएगा, नहीं तो ये, क्योंकि इसमें ज्यादा सीटी हम लगाते हैं ना, 4 सीटी, तो आलू एकदम गल जाता है, तो बड़ा आलू रखिएगा। 2 आम लिए हैं। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि आम क्यों डाल रहे हैं, तो आम के बदले आप इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल सीजन है आम का, तो हम इसमें आम का जूस डालेंगे। अब इसमें पानी हमें इतना डालना है कि छोले बस डूब जाए, इतना बस, इतना ही पानी डालना है। ढक्कन बंद करने के बाद इसको गैस पे बैठा देंगे और 4 सीटी हमें लगवाना है। या तो आप देख लीजिए कि छोला बढ़िया से उबल जाना चाहिए, ऐसा, तो 4 सीटी लगा देते हैं। और जब तक छोला उबल रहा है तब तक हम कुलचा बनाने के लिए आटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। इसमें डालेंगे हम 300 ml दूध। थोड़ा सा कम ही डालिएगा, अगर लगे कि आपको ज़्यादा है तो थोड़ा सा दूध कम ही डालिएगा और चीनी को घोल लीजिएगा। दूध गर्म है तो गुनगुना रह जाना चाहिए, चीनी जब तक घुल जाएगा जब तक दूध गुनगुना रहेगा। दूध ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, इसमें हम डालना है हमें यीस्ट, तो चीनी को घोल देते हैं। तो दूध हमारा एकदम हल्का गुनगुना होना चाहिए, बस इस समय आप डाल सकते हैं यीस्ट। दूध इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी भी डाल सकते हैं इतना। मैं दूध इस वजह से कम बोला डालने के लिए ना, कि बाद में हम 1-2 चम्मच कम पड़ेगा तो डाल सकते हैं, ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा मैदा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यीस्ट देखिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसके 4-5 मिनट के लिए ना इसको ढक के हम रख देंगे, ताकि एक्टिवेट हो जाएगा, चीनी से एक्टिवेट हो जाता है फटाफट। अब इसको ढक के रख देंगे या ऐसे ही रख, इसी तरह 4 सीटी इसमें लगवा लेंगे हम। जब हमारा 4 सीटी लग जाएगा तो सीटी एकदम बढ़िया से निकल जाएगा अपने आप गैस इसका, तब हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह का थक्का जमने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपका ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अब यहीं पे मैदा डाल देंगे, ये 1/2 किलो मैदा है 300 ग्राम दूध के लिए। पैकेट का मैदा सबसे बढ़िया होता है, इस तरह का चीज़ बनाते हैं तो खुला मैदा हो तो छान के लीजिएगा। यहीं डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसको बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। अगर दूध कम पड़ता है तो 1-2 चम्मच हल्का गर्म दूध ही डाल दीजिएगा, नहीं कम पड़ेगा तो कोई बात ही नहीं है। इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, चिपचिपा डो। देख रहे हैं अभी दूध कम पड़ गया इसमें, तो पानी भी डाल सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा 1-1 चम्मच दूध डाल के और इसका एकदम चिपचिपा डो तैयार करेंगे। देख रहे हैं ना, अब इसको क्या करेंगे कि अपने किचन स्लैब पे या बड़े फट्ठे पे रखेंगे इसको इस तरह से नीचे। अब इसको इस तरह से हमें मलना है, 5-7 मिनट मलेंगे। तो अभी दिख रहा है आपको गीला है ना, तो हाथों में बढ़िया चिपक रहा है, लेकिन ये बाद में एक तरह का डो हो जाएगा। मतलब इसमें अभी हम लोग जो ग्लूटिन है ना उसको डेवलप कर रहे हैं इस तरह से, इससे ना इसी से हमें करना होता है इस तरह से। वैसे तो ये बनता है जो कुलचा ना, वो बनता है ईस्ट से ही। जितने मार्केट में आप कुलचा खाते हैं सब ईस्ट से बनता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे घरों में ईस्ट नहीं होता है, ऑनलाइन मिल जाता है, अगर नहीं है तो 1/2 किलो में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालेंगे और सोडा कम डालेंगे, तो इससे क्या होगा, तब भी आपका ये कुलचा बन जाएगा। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो मैंने इससे पहले ही बना रखा है कुलचा, वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनाया है, वो देख लीजिएगा। अब देख रहे हैं ये चिपचिपा बिल्कुल ही नहीं है हाथों पे, ये देखिए, इसमें ना कहीं हम तेल लगाए हैं ना कुछ किए हैं, अभी एक सारे हो रहा है, बस इतना ही हमें चाहिए। हाथों में थोड़ा सा तेल देंगे रिफाइंड ऑयल और इसमें डस्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे, कि ज़्यादा चिपके नहीं,
और डो को भी इस तरह से कर देंगे और एक गोल सा डो बना देंगे इस तरह से, दिख रहे हैं इससे। और इसको इसी में रख देंगे और ढक देंगे, इसको छोड़ देंगे एक घंटा के लिए। वैसे तो मैं इसको गर्मी में बना रहा हूँ तो एक घंटा में बढ़िया से हो जाता है। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो इसको आपको जैसे कि ओवन ओवन है ना, या गर्म जगह बढ़िया से कपड़ा कंबल से लपेट कर रखिएगा तो ये 2 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा भी लग सकता है सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही बाहर रख दीजिएगा आप तो 1 घंटा में बढ़िया से फूल जाता है। उसके बाद हम बनाएंगे कुलचे। तो यहाँ पे कुकर हमारा सीटी बढ़िया से निकल गया है कुकर का, तब निकाल लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि आपने आलू क्यों उबाला है, तो हम इस वजह से उबाले हैं कि आप आज आपको बताएंगे स्टॉप कुलचा बनाना भी, इसी वजह से एक आलू उबाले हैं और आम उबाले हैं। ये देख रहे हैं आम किस तरह से उबला है, बढ़िया। तो इसका हम चटनी बनाएंगे, जहाँ पे इमली वाली चटनी डलती है ना वहाँ पे हम आम की चटनी डालेंगे, इस वजह से इसको हम उबाले हैं। अब हमें क्या करना है कि ये 2 आम का गुद्दा निकाल के, ये धनिया पत्ता, हरी मिर्च, 2 कलियाँ लहसुन की, 1 छोटा अदरक, ये सबको हमें पीस लेना है, ठीक है। तो इसमें से ना जो आम है इसका गुठली निकाल देंगे, छिलका भी निकाल देंगे, केवल पल पल हम पीसेंगे। तो यहाँ पर चटनी पीस लिए हम, इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और बढ़िया से जार को साफ करते हुए निकाल देंगे इसमें से। तो कुलचे के साथ अचार मिलता है मिर्च की और गाजर की। आप मिर्च मोटी वाली भी डाल सकते हैं या पतली वाली भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है। थोड़ा पतली वाली ज़्यादा तीखी होती है, मोटी वाली कम तीखी होती है। तो इसका साइज बना लेते हैं अचार, जिस तरह से हम बनाएंगे। तो पतला पतला इसको काटना होगा, तो इसको छील लेते हैं और काट लेते हैं। बड़ी वाली मिर्च को ना, जैसे कि ऐसे मिर्च है तो इसको 2 टुकड़ा करके अब बीच में कट लगा दिए इस तरह से। और जो ये छोटी मिर्च है बस इसका क्या करेंगे, बीच में खाली कट लगा देना है, बस इस तरह से कट लगा देंगे तो इसमें थोड़ा सा मसाला आ जाएगा। तो आपको जो जितना बनाना है बना सकते हैं, ये तो 8-10 दिन रख के भी खा सकते हैं। अचार बना देते हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, यही डालेंगे 1/2 चम्मच पिसा हुआ सरसों, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ, गैस बंद कर देंगे अभी फिलहाल, ये एकदम कम कर देंगे। यही डालेंगे गाजर और मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एकदम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। दो मिनट लो आंच को भूनने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब इसमें आप खट्टा के लिए आमचूर डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 1 नींबू लिए हैं, बीज निकाल के इसको डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे, इसको रख देते हैं किसी प्लेट में निकाल के, जब कुलचा बन जाएगा तो सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 घंटा का करीब हो गया है, तो मैं तो देख रहे बढ़िया से फर्मेंट हो गया। तो हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह से और इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और इसको रखेंगे स्लेब पे। अब इसे मलना नहीं है, बस आपको जितना पीस काटना है उतना आप काट लीजिए इसको, या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से गोल करिए इस तरह से हाथों से, जैसे भटूरे वाले बनाते हैं ना पेंदा, इस तरह से भी आप पेंदा काट सकते हैं ऐसे गोल कर करके, और एक पेंदा इस तरह से काट दीजिए। काटने के बाद इसको इस तरह से गोल कर दीजिए, देख रहे हैं ना। लेकिन हाथों पे आपको थोड़ा सा तेल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चिपकेगा इस तरह से, पीछे का मामला एकदम गोल रहना चाहिए। और एक थाली लेंगे, इसमें ग्रीस कर देंगे और इसको रखते जाएंगे इसी तरह से।
अगर पीछे का देख रहे हैं ना, पीछे का थोड़ा खुला होता है, तब इस तरह से आप थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे कि हम पराठे वराठे कोई भरते हैं उस तरीके से, इस तरीके से करके, और फिर हाथों से गोल करके फिर रख देंगे। थोड़ा छोटा बड़ा आप अपना मर्जी से रुई काट सकते हैं। तो यहाँ पे एक कपड़ा को हम गीला कर दिया है और बढ़िया से पानी निचोड़ के इसको ढक देंगे। तो इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ढकने के बाद एक पीस निकालिएगा, और आपको अगर ये चिपक रहा है नीचे तो मैदा भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं। आपको गोल बनाना है गोल बनाइएगा, लंबा बनाना है लंबा बनाइएगा। देख रहे, क्योंकि रेड़ी पे ना जहां भी हम लोग खाते हैं तो ज्यादातर ऐसे ही लंबा लंबा मिलता है। तो इसको बेल दिए हैं, अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और जहां पर भी इसको आपको रखना है उसको हल्का ग्रीस कर दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट देने वाले हैं। तब इसको उठाएंगे इस तरीके से, और उठा के और इसको ऐसे रखते जाएंगे ऐसे। अब इसे एक कपड़ा रखना है और ढकते जाना है, मतलब हम बेलते जाएंगे और ढकते जाएंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो सारा को बेलते हैं, इसको ज्यादा पतला मत बेलिएगा, बस थोड़ा सा मोटा ही रहता है ये। तो सारा बेल दिए हैं, अब इसको एक गीला कपड़ा से ढक देंगे इस तरह से, जब तक हम छोले बना देते हैं उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो अगर छोला आपका इस तरह से थोड़ा थोड़ा खड़ा हो, ये देख रहे हैं कलर इसका ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने आम इसी में उबाल लिया था। थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे ताकि ये खुला खुला नहीं दिखेगा, एकदम लटपट रहे इस तरह से। इसको थोड़ा मैश भी कर दिए हैं देख रहे हैं, और सीधा सीधा भी मटर दिख रहा है, बस इतना ही हमें मैश करना था। यहाँ पे एक टमाटर काट रखे हैं, इसको डाल देते हैं। एक छोटा खीरा भी डाल रखे हैं, इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च, एक प्याज थोड़ा मोटा मोटा काट के दिए हैं, आप बारीक बारीक भी काट के दे सकते हैं। यही डालेंगे एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, भुना धनिया हो तो और बढ़िया है। एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून के करीब भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत सारा धनिया पत्ता डालेंगे। नमक हमने कहीं नहीं डाला है तो नमक यहीं पर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी आप डाल सकते हैं, यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब यहाँ पर जो धनिया आम की चटनी बना रखा था वो डाल देते हैं, अब इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टफ भी बनाएंगे, मतलब भर के, तो आप पनीर भी डाल सकते हैं आलू भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा पनीर को घिस कर रख देते हैं, भी कद्दूकस कर रख देते हैं। इसी में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक, थोड़ा जीर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स कर देते हैं। ये मैंने थोड़ा आपको बताने के लिए बनाया कि स्टफ्ड भी आसानी से बन जाता है, उसमें भी दो तीन पेंदे बचा रखे हैं। तो इसमें जिस तरह हम स्टफिंग करते हैं ना बाकी चीज़ों का आलू का, वैसे ही इसमें भी स्टफिंग करना है। गोल बना देंगे और इस तरह से भर देंगे, देख रहे हैं, फिर जैसे बंद करते हैं वैसे बंद कर देंगे। स्टफिंग को अंदर दबाएंगे और इस तरह से हम भर लेंगे, ऐसे बंद करके, और फिर इसको ढक के रख देंगे इस तरह से, यहाँ ढक के रख देंगे। इसी तरह जितना भी आप स्टफिंग के लिए स्टफ बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। हमने तीन पीस के लिए बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो यहाँ देखिए तवा बैठा दिए हैं, इसको हल्का सा तेल से ग्रीस कर लिए हैं, और इसमें इस तरह से उठाएंगे और डाल देंगे, इसको ढक के पकाएंगे, और इसमें जब बबल्स आ जाएगा ना तो इसको पलट देंगे। तो देख रहे हैं भाप बढ़िया से बन गया है, इस पे देखिए बबल आ रहा है ना, बस अभी इसको हम फर्स्ट
बार सेक रहे हैं, दूसरे बार सेकेंगे ना तभी बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से आप सेक के और इसको 2 दिन तक फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, 1 मिनट उधर से 1.5 मिनट इधर से। और इसको जब हम ना डबल फ्राई करेंगे, अभी तो सिंगल सेक के रख देते हैं, जब डबल करेंगे तो आप जब दो दिन के बाद जब भी आपको टाइम मिले तब भी इसको सेक के आप खा सकते हैं। देखिए किस तरह से फूल भी रहा है, देख रहे हैं ये इस तरह से फूल भी जाता है भटूरा, ये देख रहे हैं भटूरा की तरह फूल जाता है हमारा कुलचा। तो इस तरह से निकाल के कपड़े पर रखते जाएंगे इस तरह से। जो भी हमने कुलचा बना रखा है अभी तो हम इसको ऐसे ही डाल रहे हैं, अगर स्टॉप वाला ही बनाएंगे तो इसी तरह डालेंगे और इसी तरह पका के और रख लेंगे, और जब खाना होगा तब बटर लगा के खाएंगे। तो सारे को पहले सेक देते हैं, सारा ही कुलचा एकदम बढ़िया सा फूल रहा है ये। तो यहाँ देखिए सारा कुलचा बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप चाहे ना तो स्टोर करके 2 दिन रख सकते हैं अगर खाना हो तब। तो अब इसको डबल फ्राई करेंगे, ये देख रहे हैं ना। तो ये वाला स्टॉप कुलचा है, तो पहले इसको एक फाइनल फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तवा को हम हल्का सा गर्म कर दिए हैं और इसमें लगाएंगे थोड़ा बटर। इसको चाहे तो आप धनिया पत्ता और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। देख रहे बढ़िया से ये कुलचा फूल भी जाता है। तो एक यहाँ पे स्टॉव कुलचा है और एक यहाँ पे प्लेन कुलचा है, इसमें भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अगर आप बटर नहीं खाना चाहते हैं तो बिना बटर का भी आप इसको बना सकते हैं। कुलचा बढ़िया से सिकता है तभी बढ़िया लगता है। तो कुलचा को बढ़िया से सेक लेंगे, देख रहे हैं ना बढ़िया से एकदम सारा कुलचा फूला फूला बना हुआ है। अब इसे सर्व कर देते हैं। इस पर थोड़ा सा कसूरी मेथी ये आप चाहें तो इस तरह से धनिया पत्ता भी थोड़ा डाल सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा छोला तो ऑलरेडी पहले से ही तैयार है। इसी पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, थोड़ा मिर्ची का अचार, थोड़ा गाजर का, और यहीं पे थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं। तो इसके साथ आप रायता भी खा सकते हैं। यहाँ पे एक चम्मच रख देते हैं और ये हमारा कुलचा और छोले बन के हो गया तैयार। अब आपको दिखाते हैं कि ये बना कैसे है। तो यहाँ दिखाता हूँ आपको स्टॉप कुलचा कैसा बना हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं। और ये जो प्लेन वाला है उसको भी दिखाते हैं, ये देखिए। तो पहला सर्विंग तो हम जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसा हो गया। अब आप ठेले पर खाते हैं तो कैसे सर्विंग करते हैं आपको दिखाते हैं। थोड़ा प्याज, थोड़ा टमाटर, इसमें डालेंगे अचार, और ये चम्मच कैसे भूल सकते हैं। देखिए इस चम्मच से तो हम लोग खाते हैं, इसको इसमें लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो जो बटर वटर लगा के देते हैं ना वो 40 के दो देते हैं, और वैसे नॉर्मल जो बनाते हैं वो 30 के दो देते हैं। आपके यहाँ छोले कुलचे कैसे मिलते हैं और सबसे बढ़िया छोला कुलचा कहाँ का है वो बताइएगा, यहाँ कहाँ आपने खाया था सबसे पहले। तो ये हमारा छोला कुलचे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि हमने इसमें स्टफ भी बनाया है, प्लेन भी बनाया है और कुलचे भी बनाया है। अगर ये आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी बना हुआ है और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके घर में भी टेस्टी बनेगा। तो हम फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। तो बन तो गया है, हम इनको टेस्ट कराते हैं कि कैसा बना हुआ है, वो लेके चलते हैं। आइए तो टेस्ट करके बताइए कैसा बना हुआ है। इसका सॉफ्टनेस चेक करवाइएगा, सॉफ्टनेस कितना हुआ है ये।
है ना, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। कैसे बनाए? पहले खा लो फिर बाद में बता देता हूँ। अजान जी खाओ ना, तो बड़ा नरम बना है जी। मार्केट से भी नरम है, टूट रहा एकदम बिल्कुल, जैसे बाजार वाला जैसे होता है ना, उससे ज्यादा सॉफ्ट है। मेरे को कुलचा से याद आता है, पता है कहाँ का कुलचा है? गांधीनगर का कुलचा मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वहाँ एक जगह था जहाँ लाला जी ले जाते थे कभी कभी, दुकान से जिस दिन छुट्टी रहेगा ना, संडे वाला दिन ही, मंडे को गांधीनगर बंद रहता है, तो लेके जाऊंगी इनको बाजार, क्योंकि मैं कपड़ा का दुकान लगाती थी ना, तो लेके जाऊंगी दुकान बाजार कि चलिए मेरा माल खरीदवा दीजिए। फिर जब माल खरीद लेंगे तो भूख बड़ी तेज लगेगी, फिर मैं इनको बोलूंगी कि चलिए मेरे को कुछ खिला दीजिए। एक जगह था वहाँ पे कोने पे, रोड के ही कोने पे था, एक रेड़ी को भैया लगाते हैं वहाँ पे गांधीनगर के अंदर, इतना भीड़ लग रहा था वहाँ पे पूछे तक। और वहाँ का कुलचा हम और ये कम से कम नहीं हो तो 8-10 कुलचा खाएंगे ना जी, 8-10 कुलचा खाएंगे पेट भर जाएगा। आपको मजा आता था वहाँ का? तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए और खाइए, फिर बताइए कैसा बनाया दादाजी। मेरे को तो इनका वीडियो देखना पड़ेगा खाने से पहले, बनाने से पहले। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, ऐसे ही आप लोग इंजॉय करिए। दिल्ली आए तो सोच रहे हैं कि दिल्ली का सारा फूड बना दूं।